राशेश्वरी शरण जी, बड़ा रासमंडल। महाराज जी, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु कभी कभी भजन नहीं होता तो मन बहुत उदास हो जाता है। महाराज जी उस क्या करें? समय जिस समय भजन नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। दुर्गा जी कहते हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। उपासक ध्यान दे, कभी कभी भजन में मन बहुत लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास इसका विषयों में रहा है। उस समय होश में रहे, जब भजन नहीं बन रहा तो प्रपंच न करने लगे, चार लोगों के बीच में चलो अब टीवी चलाओ, भजन में तो मन नहीं लगे, चलो मनोरंजन कर लेते, चलो ये फिर तो गाहे न दूजी चाल, दूसरी बात पकड़, भजन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम श्यामा जू के हैं, ये ठसक तो है ना, हम हरिवंश महाप्रभु के हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, इष्ट हैं, अभी भजन तो हो रहा ना, तुरंत ठसक पे आओ, कुछ भी हो मन, तू मुझे परास्त नहीं कर सकता, मेरे युगल सरकार है ना, मेरी रक्षा के। अब चिंतन हो रहा, अभी थोड़ी देर में बदल जाएगा मन और भजन में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जहां मन हमारा भजन से हटा तो उसकी मांग के अनुसार हम चलने लगते हैं। वो मांग, मन जीवित जानते हो किससे, विषय चिंतन से, विषय भोगों से मन जीवित है, और जब तक मन जीवित है तब तक प्रेम मार्ग में प्रवेश नहीं पाता। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। मन मारा, मन ही मार तनहार के वृंदावन में गा, मन को मारना सीखना चाहिए। अब मन कह रहा है ये भोग, राधा 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 राधा, बहुत बार तुमने जो कहा है अनंत जन्मों में किया, अभी इस जन्म में जो गुरु जी कहेंगे वही करेंगे, तेरी एक बात नहीं, मत तू मार, जला मुझे जितना जला, खत्म, उसका अस्तित्व खत्म। पर इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना हम दुलार करते हैं मन को कि जो मन चाहता है फिर उसी में लग जाते। यार भजन में मन नहीं लगता, बाहर घूमे, कोई ना कोई विषय पकड़ लिए, कोई चिंतन विषय करने लगे, वो जीवित हो गया और बलवान, अब रौंदेगा आपको। गाहल दूजी चाल, दूसरी बात नहीं होने, नहीं मन लग रहा, सो जाओ चुपचाप, जब जगोगे फिर भजन होने लगेगा, या फिर किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में पहुंच जाओ, या कोई ग्रंथ खोल लो, आजकल यंत्र चले हैं, सत्संग सुनने लगो, थोड़ी देर में बदल जाएगा। क्योंकि रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आया है, इसलिए भजन में रुचि नहीं हो रही, जहां थोड़ा सात्विक सेवन हुआ वृत्ति बदल जाएगी, भगवत चिंतन बनने लगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्यपूर्वक चलिए, और जब उसे स्वाद मिल जाएगा प्रिया प्रीतम का, तो ये शिकायत खत्म हो जाएगी, फिर भजन करना नहीं पड़ता। जैसे हम विषय चिंतन स्वाभाविक होता है, क्योंकि विषयों का स्वाद मन को मिल गया है, ऐसे जिस दिन, तभी गोस्वामी जी ने मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, स्वाद मिल गया जिस दिन इसे, नाम का रूप का लीला का धाम का, फिर हटाए नहीं हटेगा। जैसे आज हम विषयों से हटाना चाहते तो नहीं हट रहा, ऐसे कल भजन से भी हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। एक बार इसे पकड़ा दो, धीरे धीरे सत्संग के द्वारा गुरु चरण आश्रित होकर नाम जप करते हुए वाणी गायन गाते हुए हम इसको मन को पकड़ा दें, इसे अभ्यास कहते हैं, वैराग्य अभ्यास, विषयों का सेवन न करना और अंदर से बार बार भगवत चिंतन का अभ्यास करना, इससे हमारा मन एक दिन ऐसा आएगा, यदि गलतियां नहीं हुई तो, वो ज्यादा समय दूर नहीं रहेगा, वो मन प्रिया प्रीतम में तन्मय होने लगेगा। और अगर बीच बीच में इसका मनोरंजन देते रहे, वो लंबा खींच देगा, वो लंबा खींच देगा, सांस न ले पावे। जब हम नई अवस्था के थे तो एक परमहंस जी थे, ओंकारानंद सरस्वती, तो नई अवस्था में देख करके संतों को बड़ा सुख मिलता है कि नया बच्चा अगर भगवान का भजन करेगा अच्छा महात्मा बनेगा। तो उनका पहले भी घर जाते रहते थे संत महात्मा, वो भी जाते थे, तो उनका अच्छा तो तुम संत बन गए, उनका हाँ स्वामी जी हमारी इच्छा है आजीवन भगवान का भजन। बच्चा इस मन को मारना बड़ा कठिन है, जैसे काले सर्प को अगर बंदर पकड़ ले तो उसका फना पकड़ के वो ऐसे पेड़ में रगड़ता है, फिर कान में देखता है, सूं सूं तो नहीं हो रहा, फिर रगड़ता है, मरने पर भी रगड़ता है, ऐसे नाम में शास्त्र स्वाध्याय में गुरुजनों की आज्ञा में मन को रगड़ रगड़ के मारते, मन का अस्तित्व न रह जाए, सोई महात्मा। और अगर मन बचा रहा तो कभी न कभी वो गिरा देगा, दुश्मन है। तो इस मन को अमना कर देना, मन में कोई चाह भोगों की ना रह जाना, यही मन की स्थिति है, अमना स्थिति।
अगर मन में चाह भोगों की है तो सतर्क रहना चाहिए, ये जहरीला सांप है, डस लेगा, और इसका जहर अभी तक नहीं उतरा जब से सृष्टि रची गई। वही काम वेदना, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही मद, आज अवसर मिला है, गुरु बहुत बड़े विष उतारने वाले मिल गए, और नाम मंत्र जो मिला ना वो विष का नाश करेगा। अब हम चूक नहीं करेंगे, अब इस मन रूपी दुश्मन को मारेंगे, सर्प को मारेंगे, बस इसकी मार यही कि इसकी मांगी हुई अधर्ममयी क्रियाएं ना की जाएं। अभी कोई बिरला परमार्थी ही कर सकता है, विषयी पुरुष तो कहे भाई आज होटल में चलते खाते हैं, वो तो मन को दुलार करने में परेशान है, लेकिन साधु क्या करता है, मन को मारता है, जो मन को मारता है वही महात्मा कहा जाता है, एक दिन वही भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। अंजू गुप्ता जी रोहतक हरे, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, गुरुदेव हम तुझ जीव कैसे जाने कि श्री जी से हम प्रीत कर रहे हैं या बस संसारिक व्यवहार कर रहे हैं। अभी सुना था क्या कहा था, बूंद तभी तक वो बूंद है जब तक समुद्र में नहीं जाते, समुद्र की ही बूंद है, जब बूंद समुद्र में गिर गई तो फिर ये शब्द नहीं लगता, वो समुद्र ही है। तस्मिन तज्जने भेदाभावात, प्रभु और प्रभु के चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों में अभेद स्थिति हो जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो उस परम तत्व के चिंतन में तन्मय होकर उसका अनुभव कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। हम तुच्छ के नहीं हैं, हम महान के अंश हैं। हाँ हमारी आसक्ति तुच्छ विषयों में हो गई इसलिए हम अपने को तुच्छ संबोधन करते हैं। जैसे गरीब आदमी रिक्शा चलाता, उसे बोलो रिक्शा, खड़ा हो जाएगा, वो रिक्शा थोड़ी है, इसके कुछ दिन बाद पैसा कमा के वो टैक्सी खरीद ले, अब उसे रिक्शा बोलो नहीं खड़ा होगा, अब अहम उसका टैक्सी में स्थित हो गया, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। उसे पूछो पहले तो रिक्शा कहने से खड़े होते थे, वो बोले नहीं अब टैक्सी ले ली। शरीराभिमानी जीव विषय भोगों में महत्व बुद्धि करने के कारण अपने जो आराध्य देव अंशी हैं प्रभु से विमुख हो गया है, इसीलिए ये बात आती कि कहाँ प्रभु और कहाँ हम। अरे जहाँ प्रभु वहीं हम, आप क्या समझते हो हमारी सत्ता ही नहीं है, उनके बिना हमारी सत्ता, जैसे हम कहीं भी पैर रखें पृथ्वी पे ही रख रहे हैं, पृथ्वी तत्व पे ही रखेंगे, ऐसे हम कहीं भी हों। कई बार समझाया है, सबसे प्रार्थना की है कि आप इस बात को समझिए, भगवान सर्वत्र हैं, ये बात सत्य है ना, तो यहाँ भी है ना, तो आप जहाँ भी हो वहाँ भगवान है ना, भगवान सबके हैं, तो जब सबके हैं तो आपके भी हैं ना, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं तो फिर मेरे लिए भी तो है ना वो सर्वशक्तिशाली, हमें और का भरोसा और की आशा क्या, भगवान सुख समुद्र हैं तो फिर हम उसी सुख समुद्र के अंश हैं, हमारी तृप्ति उसी सुख समुद्र से होगी, किसी और से नहीं होगी। तो ये भाव दैन्यता में तो ठीक है कि मैं तुच्छ हूं अधम हूं क्वाम तुच्छा परम अधमा, लेकिन उपासना की चढ़ाई में चढ़ने के लिए ये प्रमाद भी पैदा कर सकता है, भाई ये तो बड़े बड़े महापुरुषों की बात, हम तो भाई गृहस्थ या तुच्छ अधम जीव, हम तो विषय में ही भोग, ये नहीं कदापि नहीं। सिंह का बच्चा भूल से भेड़ों में चला जाए तो भेड़ नहीं बन जाएगा, अगर वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा तो गडरिया के सांटे खाएगा भेड़ों की तरह, हमारी हालत वही हो गई, भगवान का बच्चा भगवान का अंश माया में भूल गया तो सांटे खा रहे काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, नहीं तो हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, अब बोलो ऐसा स्वरूप और कहाँ हम जल रहे, तो हालत क्या हो गई, भूल गए ना अपने प्रीतम को, अब क्या करें, सेवक वाणी स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भजी गुण नाम सुनी कथि संतन सो संग करी काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। अगर अभी आपको अनुभव करना हो कि प्रीति की रीति क्या है तो पहले स्वार्थ का त्याग करो, कैसे त्याग करें, बड़ा कठिन है, गुरु चरणों का आश्रय लो, गुरु जो उपदेश करें, जो नाम जो मंत्र उसको रटो, और संत समाज का सेवन करो, संतों का संग करो, गुण नाम सुनी कथि, प्रियालाल के गुण सुनो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके नाम का जप करो, जहां कहीं भगवत चर्चा होती हो, जैसे प्यासा है तो पौशाला की खोज करता है कहाँ है, तो जहां जहां पिए की बात सुने
खोजत तिय गहनन, कहाँ मिलेगा मुझे श्यामा श्याम का बात करने वाला कोई ऐसा जो प्रभु की मुझे चर्चा सुना दे। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, स्वारत सकल तज गुरु चरणन भज गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करे। और इस शरीर से प्यार मत करो, कफ पित्त बात भरो, ये कालाधीन है, किसी भी मिनट में ये आपको धोखा दे सकता है। जैसे पानी का बुलबुला बहुत अच्छा दिखाई देता है पर किस सेकंड फूटेगा इसका पता नहीं, पर वो फूटेगा, पक्का फूटेगा, वो टिकेगा नहीं, ऐसे ये टिकेगा नहीं। दुर्लभो मानुषो हो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। क्या करे, जितनी वर्तमान में श्वासें हैं प्रियालाल का यश गावे, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, खूब प्रियालाल का जस गावें, उनकी सेवा करें, उन्हीं की सेवा की भावना से सारे कार्य करें, व्यापार करें, नौकरी करें। भगवान तो युद्ध करने की बात कर रहे हैं, मामुनिश मर युद्ध चे, कोई भी सेवा भगवत भाव से की गई वो भजन हो जाता है। और भजन भी विषय सेवन की भावना से करने पर वो भी विषय ही प्रपंच ही हो जाता है। इसीलिए बोले हम 20 साल से भजन करें हमको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अनुभव वाली गली में ही नहीं जाना चाहते आप तो भोगों वाली गली में, मान प्रतिष्ठा सम्मान संस्कार, तो हीरा है चाहे जो खरीद लो, विषय खरीद लो और चाहे प्रभु को ले लो, नाम जप करके। अब ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर मारे तो बुद्धिमान का आ जाएगा क्या? ऐसे ही नाम का प्रयोग भोगों के लिए करे, संसार के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, वो ऐसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए। खूब नाम जप करो और भावना रखो प्रीति की। तो प्रीति अभी हम बोल के आए हैं कि प्रीति कहीं उपजती नहीं है, है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी, भगवान की श्रीमुख की बात कह रहे हैं। किनकी ममता? बोले जो जननी जनक बंद सुतदारा, तनु धन धाम स्वर्द परिवार। वही अपने यहां वाणी जी में कह रहे रसिक महापुरुष, मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तुलक वृंदावन चंदा। उसी ममता को समेट के प्रभु के चरणों में रख दो, अनुराग हो गया वही प्रेम हो जाएगा। अब हमारा प्रेम बिखर गया संसार में तो वही कहा जाता है मोह आसक्ति राग, और उसी को समेट लो और प्रभु के चरणों में तो अनुराग कहीं नया उत्पन्न नहीं होता है। उतने ही प्रेम में रिझ जाते हैं प्रभु, जितना हम प्यार संसार में फैलाएं उसे समेट के प्रभु की तरफ करें, अभी अंदर की बातें हट जाएगी। देखो बड़े बड़े भक्तजन जो कहते हैं ना कि कहां मैं कामी नीच पामर, ऐसे शब्द सुने जाते बड़े बड़े माँ, जैसे सूरदास जी कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन की हो, ऐसो नोन हरामी, अपने लिए कह रहे हैं। जैसे अगाध समुद्र है और सीप है, अब सीप में समुद्र कैसे समाए? ऐसे महापुरुष जन जब भगवान के प्रेम रस का अनुभव करते हैं तो उनको अपना स्वरूप क्या लगता है? सीप जैसा। और प्रभु कैसे? अगाध समुद्र। तब ये दैन्यता के भाव है प्रेम में। अपने लोग क्या करते हैं, इन दैन्यता के भावों को बोल करके विषय सेवन की गली साफ कर लेते हैं। भाई हम तो नीच है पामर है, भजन तो हमारा नहीं है, तो बड़े बड़े संतों का काम। ऐसा नहीं, संत कोई अलग धातु के नहीं बने हुए हैं, अलग पैदा नहीं हुए हैं। जैसे आप पैदा हुए हैं जिस पांच भौतिक शरीर के आप हैं वैसे ही हुए हैं। हाँ, वो भगवान का आश्रय लेकर गुरु भगवान का भजन में लगे तो आनंद सिंधु भगवान में, प्रियालाल में तन्मय हो गए। आप शरीर लेकर माया में लगे तो चिंता शोक नाना प्रकार के दुख जन्म मरण इनका भय सता रहा है, और प्रभु की शरण में हो गए तो निर्भय हो गए। बात एक ही है, अंतर नहीं है। आपका चिंतन गलत हो गया बस इसलिए आप अपने को समझ रहे हैं भाई वो तो महान है हम तो लघु हैं। नहीं नहीं, एक ही ढांचे से एक ही माटी से बने हुए सब है खिलौने, एक ही तत्व प्रकाशित कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है कि हम में दूसरा आप में दूसरा, नहीं नहीं एक ही प्रकाश है। हाँ, हमारा चिंतन गलत हो गया, हम गलत चिंतन गलत क्रियाओं के कारण उस वस्तु को नहीं समझ पा रहे, इसलिए हम कह देते भाई हम तुच्छ प्राणी का उस प्रेम को प्राप्त करें, चाहे प्रेम हो चाहे ज्ञान हो चाहे कोई भी वस्तु हो, हमारे लिए है, हम प्रभु के बच्चे हैं प्रभु के अंश हैं। पर हम चाह तो कभी ज्ञान की प्रेम की करते ही नहीं, हम तो भोगों की चाह करते हैं संसार के। मान तो मालिक बड़ा कृपालु है, जो इच्छा करी हो मनमाही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ में मिल रहा है। अब आप एक दूसरे को कोसो कि भाई वो तो ज्ञानी है हम ज्ञानी, तो आपने ज्ञान मांगा कब, चाह कब, आपने प्रभु से प्रयार किया कब? बोले प्रभु कहाँ है कैसे है दर्शन नहीं देते, कहे ऐसे कैसे कैसे प्यार हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं।
आप गुरुजनों के वचन मान के देखो, साधना करके उपासना आपको अनुभव में आने लगेगा, प्रभु दूर नहीं है, हमारे हृदय में प्रतिपल हमें प्यार कर रहे हैं। ऐसा ना हो तो आज थोड़ी बाबागिरी हुई, आज से हुई क्या? अरे जब से सृष्टि रची गई तब से ऋषि मुनि ब्रह्म, पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही प्रकट हुए, सबसे पहले महात्मा ही प्रकट हुए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और अनुभव तब से चला आ रहा है, तो झूठा थोड़ी है। मन को मारकर प्रभु में लगाना सबसे कठिन बात है। आपको मन आया चाट पा ले, चाट पा लिया, आपको मन आया भोग भोग ले, भोग लिया, आप क्या जानो मन की मार किसे कहते हैं? उनसे पूछो जिनका मन विषयों की तरफ आकर्षित हो रहा है और उसे दबाकर राधा 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 वो आग पैदा कर रहा है, उस आग में जो जल रहा है तभी वो चमक रहा है, तभी वो महान बना है। जो तपा नहीं वो पानी रखने लायक मटकी नहीं होती, डालोगे थोड़ी फैल जाएगी, और जो आग में धर के जला के उसे पक्का कर दिया, अब चाहे जितना पानी भरो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो ये जो तप है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको सहना, ये कार्य बाबा जी करते हैं। मन लागे और यार फकीरी जो सुख मिलिया राम भजन में वो सुख लाही अमीरी में मन। अब संसार के लोग जो रुपए के पीछे घूम रहे, संसार के माया के पीछे जब तक डोलोगे तो माया अंगूठा दिखाएगी, ले पकड़ में आएगी, और माधव के पीछे डोलोगे तो माया पीछे डोलेगी, पक्की बात है, क्योंकि वो माधव की ही है। माया के पीछे डोलने वाला कभी मायापति नहीं बन सकता, और माधव के चरणारविंद के पीछे डोलो तो माँ की तरह वो दुलार करती, माया भगवान की पत्नी है ना, भगवान को मायापति कहा गया ना, तो हमारे स्वामी प्रभु ये तो अम्मा की तरह दुलार कर रहे, देखो ये कपड़ा लत्ता ये सब माया ही तो है ना, वो दुलार कर रही ना, प्रभु के मार्ग में बढ़ा रही ना, और अभी इसके स्वामी बनना चाहो तो मायापति तो एक ही है, दूसरे तो हो नहीं सकते, फिर थप्पड़ लगाती है, गलत दृष्टि रखता है, ले तो यही थप्पड़ लगाना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अन्योनियों में फेंकना, दुर्गति होना, भय विषाद चिंता, ये है थप्पड़ माया का। और अभी प्रभु के आश्रित हो जाओ, सब सुख तुम्हारे चरणों में लगो, तो प्रभु के चरणों में लगो जी। दीपक शर्मा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी नियम से कर्म करना और भाव से कार्य करने में क्या अंतर है? नियम से कर्म करने वाले के हृदय में भाव जागृत होता है, भाव कोई बाजार में नहीं मिलता, कोई खेती में नहीं पैदा होता। जब हम नियम से कार्य करते हैं, शास्त्र नियम उसे कहते हैं, शास्त्र प्रमाणित, अपने बात नहीं कि हमारा ये नियम है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित, हो क्या कार्य है और क्या अकार्य है इसका प्रमाण शास्त्र से। संत गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ नियम वही प्रेम प्रकट करता है, प्रेम भाव है, अगर भाव आ गया तो प्रभु मिल गए, भाव भगवत साक्षात्कार कराता है। देखो ना, दास्य भाव सख्य भाव ये भावित है ना, सहचरी भाव गोपी भाव वात्सल्य भाव ये भावित है ना, मतलब भाव उपासना का फल है, पर हमारा नेम वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए, जो भी व्यवहार कर रहे हो वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, वो नेम भाव प्रकट कर देगा। फिर जब भाव आ जाता है तो नेम का अस्तित्व नहीं रहता, वो नेम भाव में समा जाता है, पर बिना नेम के भाव प्रकट भी नहीं होता। नहीं तो जो भी नियम लो, शास्त्र सम्मत, गुरुजनों से प्रेरित, और किसी भी स्थिति में उसे तोड़ा ना जाए, फिर वो भाव प्रकट कर दे। और जब भाव आ जाता है तो जैसे बाढ़ आ जाती है ना, फिर उसके लिए कोई कानून नहीं, बाढ़ के लिए, बाढ़ के लिए कोई कानून, जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधार है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, वो हर बांध को तोड़ करके समुद्र से मिलने के लिए जा रही नदी, जब सावन में बाढ़ आती है तब वो कोई मर्यादा किसी की नहीं रखती, बांध की मेड़ की साफ फोड़ के जा प्रीतम के मिलने के लिए भाग पड़ती समुद्र में जाने के लिए। ऐसे ही जब भाव प्रकट होता है तब सारे नेम पूर्ण हो गए, क्योंकि उनकी भाव तक ही, जैसे नाव की आवश्यकता नदी तक ही होती है, ऐसे नेम की आवश्यकता भाव तक होती है। अब भाव में आ गया, अब वो दूसरी दशा, अब उसके ऊपर नियम नहीं लगाया जा सकता, अब उसके ऊपर नियम की जांच नहीं की जा सकती कि इसका ये नियम है ऐसा करना चाहिए ऐसा। जैसे कर्माबाई को भाव की प्राप्ति हो गई, अब वो विचार कर रहे हैं कि लालजू को जगन्नाथ जी को तो शयन करा दिया जाता, रात्रि में भूखे रहते होंगे, सुबह तड़के भूख लगती होगी, तो
तो 3 बजे कौन भोग लगाता होगा? तो 3 बजे हम बुलाते हैं भोग के लिए। उठी सीधे खिचड़ी अमनिया की बनाई और बुलाया, आ गए ठाकुर जी, गोद में बैठा पवा रहे, ये भाव है। अब एक दिन एक संत ने देख लिया कि वो सूर्योदय के बाद स्नान करने, तो उनका बाई जी हमने तो सुना है बहुत भगत हो, ये स्नान का टाइम है, तो उन्होंने अपने भाव की बात बता दी संत ने। अब वो नियम वाले थे तो उनका, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, बिना शौच स्नान किए पवित्र हुए ठाकुर जी को भोग बनाया पवा, ये तो अपराध है, नियम में है अपराध, ऐसा नहीं कर सकते। अब वो भाव को प्राप्त है, उनको तो पता नहीं। अब दूसरे दिन स्नान आदि प्रक्रिया जो नियम है, अब वो इधर ठाकुर जी को बुलाया, एक कवल ऐसे पाप है तेले को वहां पर्दा जगन्नाथ जी का जो खुला, तो वहां पहुंच गए तो खिचड़ी लगी हुई थी मुख में, तो पार्षदों ने कहा जय जय भोग तो अभी पधराया नहीं। तब ठाकुर जी स्वयं बोले कि कर्मा बाई से बोल दो जा करके कि ये नियम के चक्कर में ना पड़े, उनका जो भाव है वो मुझे प्यार, नेम का फल भाव है, अब पीछे मत लौटो आगे बढ़ो, तुम जैसे हमें पवाती हो वैसे ही पवाओ, हमें उस समय तुम्हारे स्नान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्रता ही तो चाहिए ना, और भाव पवित्र हो गया तो सबसे बड़ी बात यह है। आप समझ पा रहे हैं? पहला स्टेप नियम, हाँ, फिर सेकंड स्टेप, हाँ, और वो नियम बड़ी दृढ़ता पूर्वक, वो नियम ऐसा ना हो कि आज हमें अमुक जगह जाना है आज तो नहीं हो पाएगा, ऐसा जो नियम है उसे प्राणपन से निभाना, फिर प्रेम प्रकट हो जाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी श्री जी की अपार कृपा से 5 वर्ष से बरसाना वास हो रहा है, महाराज जी नाम जप का प्रयास है किंतु निरंतरता नहीं आ पा रही, महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो ये तो भाव आ ही गया होगा, आप प्रिया प्रीतम की उपासना के मार्ग में तिलक आचार्यों द्वारा प्रदत्त है, तो जब किसी को शिष्य बनाया जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि आज से आप प्रिया प्रीतम के हैं, आज से आपका नया जीवन है, तो ये बात हमें सबसे पहले गुरु मंत्र की तरह स्वीकार करनी है कि आज से हम गुरु जी के वचनों के अनुसार प्रिया प्रीतम के हो गए। वो किसी साधना से नहीं, गुरु जी ने कहा है कि आप प्रिया प्रीतम के हो गए, अब इसमें हमने कोई साधना नहीं की, मानी बात। अब इस मान्यता को हम कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे नरक में खड़े हो सकता है हमारी हालत खराब हो जाए, पर यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम, गुरु जी ने कहा था आज से तुम प्रिया प्रीतम के हो, तुम्हारे पूरे जीवन का अधिकार श्यामा श्याम को। अगर हमारा भजन नहीं हो रहा और हमारी यह ठसक है तो भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अखंड क्रियाएं नहीं हो सकती, समझना, बराबर 24 घंटे माला नहीं चला सकते, ये क्रिया है, अखंड स्मृति होती है, अखंड क्रिया नहीं होती। कोई अखंड क्रिया होगी? कोई भी क्रिया बराबर अखंड नहीं, क्योंकि क्रिया हो प्रारंभ की जाती है उसका अंत होता है। स्मृति जैसे मैं हूं, भले उसमें तुम्हारी भूल हो गई, आपको मैं शरीर में भान होने लगा, लेकिन मैं हूं इसकी कभी स्मृति नहीं छूटती। सो गए तो मैं अच्छा सोया, स्वप्न में तो मैं स्वप्न में हूं, जागृत में तो मैं हूं, यह है स्मृति। मैं हूं इसकी विस्मृति नहीं हो सकती, देख लो, चाहे जिस क्रिया में जाओ, मैं ये कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं स्वप्न, मैं हूं, इसे कहते हैं स्मृति। अब मैं क्या हूं इसे कहते हैं ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं, ये शरीर प्रिया प्रीतम के भजन के लिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए मिला है, धर्म आचरण करने, मैं शरीर थोड़ी हूं, नहीं पहले तुम्हारे पास था, नहीं आगे रहेगा, बीच में कुछ समय के लिए मिला है फिर छूट जाएगा। अगर आप भजन कर ले गए तो अपने अंशी प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं किया तो फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, मतलब ये आप नहीं है, आप इसके जानने वाले हैं नहीं, आप ये थोड़ी है, ये आपको नहीं जान रहा, आप इसको जान रहे हैं और आप अपने को भूल गए और इसी को अपना मान लिया, ये घाटा हो गया। भजन अखंड स्मृति में होता है, क्रियाओं में नहीं होता, देख लो आप, समझो, होता है ना, आप 24 घंटा माला चला सकते हो, चाहे जितने अभ्यासी हो, सोच में थोड़ी माला चलाओगे, लघु शंका में थोड़ी चलाओगे, कभी दैवसात हाथ टूट गया तो हमारा तो भजन ही छूट जाएगा। क्रियाएं
प्रारंभ और अंत वाली होती है, और स्मृति इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हम प्रभु के हैं, श्यामा श्याम के हैं, ये पक्की बात बैठा लो। तो जब भजन नहीं हो रहा है तो उस समय भी हो रहा है, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम के हैं। जब आपका मन अच्छा ना हो, गंदे विचार कर रहा हो, तो आपको तुरंत ये बात याद आनी चाहिए, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। ए माया, तू अब मुझे परास्त नहीं कर पाएगी। अय मन, अब तू मुझे गिरा नहीं सकता, मैं प्रिया प्रीतम। अब ये भजन ही तो हो रहा है। किसी भी तरह से प्रभु का स्मरण आ जाना, हरि स्मृति सर्व विपद में, उसी समय सब ठीक हो जाएगा। निरंतरता स्मृति में होती, क्रियाओं में नहीं होती। 2 घंटे 4 घंटे पूजा करोगे, इसके बाद कुछ भी, भोजन कितनी देर पाओगे, सोओगे कितनी देर सोओगे, पड़े रहोगे कितनी देर पड़े रहोगे, कोई भी क्रिया प्रारंभ है तो अंत भी है, लेकिन स्मृति अखंड है। अब तुम विस्मृति के गर्त में हो गए हो, तुम्हें याद नहीं है, बकाओ चल रही आज भी है, मैं हूं, ऐसा है ना, बोलो इसको भूल सकते हो, मैं हूं, कभी नहीं भूल सकते। यह शरीर छूटेगा, जैसे स्वप्न में शरीर ही छूट जाता है, इसका भान तो नहीं होता, पर आप होते हैं ना, ऐसे अनंत काल तक ये नहीं नष्ट होगा, मैं हूं। तो मैं किसका हूं, बस ये ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं ये ज्ञान हो जाए तो बस बात बन जाए। अब मैं कौन हूं ये ज्ञान हो गया तो मोक्ष प्राप्त हो गए, और मैं किसका हूं ये ज्ञान हो गया तो प्रेम प्राप्त हो गया। बस इसी की निरंतर स्मृति रहती है। जैसे हम मूर्छित हो जाए तो हमसे कोई क्रिया नहीं होगी, भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन उस अवस्था में भी मैं जागृत है, मैं रहता है, नहीं होश किसको आएगा फिर, अगर वो चला गया तो फिर होश किसको आएगा। वो आता ना कि कब कब से हम मूर्छित हैं, बोले 2 घंटे से दवाई दी और ये सब किया तो आपको होश, पर उस समय वो है, करण करण भले होश में नहीं लेकिन वो है। वही ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है, जब ये स्मृति बैठ जाती है, मैं श्यामा श्याम का हूं, तो भजन नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, मूर्छा अवस्था है, पर उसकी स्मृति में बैठा है, वो है, वो है, उसे परमात्मा प्राप्ति करा दे। ये सूक्ष्म विषय है, थोड़ा बुद्धि पवित्र होगी तो आप पकड़ पाओगे बात। जी हमारी दादी जी निरंतर माला जप करती थी, तो जब वो आखिरी जो था समय, उसमें जब वो शांत हुए तब भी उनके माला तो नीचे आ गई थी, लेकिन ऐसे ऐसे उंगलियां, अभ्यास अभ्यास, जैसे अभ्यास किया, पर अंतर के बाहर के अभ्यास से अंतर पहुंचा जाता है, वो अंतर का अभ्यास दृढ़ हो गया तो बाहर तो जो संस्कार है, जो क्रियाएं तो हो रही है, उसका कोई तात्पर्य नहीं, बात अंदर की है। अगर अंदर का अभ्यास निरंतरता स्मृति का बन गया, और ये होती है स्मृति, मैं प्रिया प्रीतम की हूं, मैं श्यामा श्याम की हूं, ये बैठ जाए अंदर में। अभी जवान से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारी धन संपत्ति, मैं पुरुष, ये वो, ये सब बैठा हुआ है मैं में, इसीलिए वो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। धीरे से कृपा से ये धीरे धीरे मैं बदले तो बस बात बन जाएगी। दीप नारायण सिंह जी। राधा राधे। राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं हाल में ही भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे वृद्ध माता पिताजी गांव में रहते हैं और मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ। मेरे माता पिताजी चाहते हैं कि मैं अब गाँव में ही उनके पास रहूँ, उनकी सेवा करूँ। गुरु जी, मेरी भी यही इच्छा है, परंतु अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचता हूँ तो धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। मेरे माता पिता किसी भी हालत में, उनको बंगलोर बुलाइए तो आप फिर, आपका अब विशेष कर्तव्य है माता पिता को सेवा देना और उनको दुलार देना, पैसा देना नहीं। जैसे बच्चे हैं ना, अनाथालय में पैसा जमा कर दियो माता पिता का, अगर तुम्हें अनाथालय में उपालते तो तुम्हें कैसा लगता, उन्होंने अपनी गोद में सोच तुम्हारी करवाई, लघुशंका करवाई, इतना बड़ा किया है। अब अवस्था आ गई उनकी, वो कि आगे चलकर उनको सोच करवाना पड़ेगा आपको, तो आपका प्यार और दुलार उनको सुख देगा, ना कि व्यवस्थाएं कि भाई हम माता पिता को 10,000 अपनी पेमेंट से भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं। जरूरत है तुम्हारी, उनको पैसा उतना ना मिले कोई उनको परेशानी नहीं, जरूरत है सानिध्य की, जरूरत है प्यार दुलार की। और ऐसा नहीं है कि अब गांव में भी अच्छे विद्यालय आसपास होते हैं, कि शहर में ही पढ़ाई ठीक होती गांव में नहीं होती, ऐसा भी नहीं। और दूसरी बात है, बुद्धि का प्रकाश
केवल लौकिक विद्या के पढ़ने से ही नहीं होता है, आशीष और अध्यात्म से भी उसका बहुत दिव्य प्रकाश होता है। हम लोग कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल से, 9, जिसमें 5 तक तो केवल ककारा मात्राओं ही याद कराई जाती थी। अब तो 1-2 के बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं, 6ठवें क्लास में ABCD सिखाई जाती थी, 9 तक पढ़े हुए हैं। बुद्धि का विकास और प्रकाश प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत दिव्यता आ जाएगी। तो हमें तो नहीं लगता कि गांव में ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जैसी शहरों में होगी। हाँ ये है कि परिवार नाराजी हो बात तुम्हारा अलग है, लेकिन अब इस समय राजी नाराजगी की बात नहीं, इस समय उनको तुम्हारी सानिध्य की जरूरत है, माता पिता के सानिध्य की जरूरत है, और उनका आशीष भगवद आशीष है। अगर उनका आशीष हो गया तो नहीं, बहुत पढ़े लिखे इंजीनियरिंग किए भी ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई बहुत रुपया कमा रहे हैं या बहुत ऐसे नहीं पढ़े लिखे भी, और आशीष है ना तो सर्व सुख प्रदान कर देता है। तो हमारी तो राय यही है, अभी कल ही परसों सत्संग में आया था कि पृथ्वी से महान कौन, यक्ष ने पूछा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा माँ, और आकाश से बड़ा कौन, उनका पिता। मतलब पृथ्वी से भी महान और आकाश से भी बड़ा माता पिता का पद रखा गया है। अगर उनको हम अवसर में, जब तक वो अपना कर्तव्य, तो देखो आप खुद कह रहे हैं कि आप एक अच्छे सरकारी सेवक रहे और रिटायर हो गए, उनके कर्तव्य में कोई कमी नहीं रही, आपने भी प्रयास किया, अब आपके कर्तव्य का समय आ रहा है। वो आपको कह दें कि नहीं कोई बात दूर रहो तो भी नहीं, वो आपको गाली भी दें तो ठीक से सेवा नहीं कर तो भी नहीं, हमको उनमें आसक्त होकर, जैसे यज्ञ करने वाला उपासक यज्ञ के विघ्नों की परवाह ना करके अपने इष्ट की पूर्ति के लिए यज्ञ करता ही है। मेघनाद यज्ञ कर रहा था, ये अंगद आदि महापुरुष जन जाके खूब लात मारे उसके, हिला नहीं, जब यज्ञ विध्वंस कर दी लोकशंका आदि करके तब वो उठा। तो एक यज्ञ की कर, तो ये यज्ञ के समान पावन माता पिता की सेवा है। आज के बच्चे इस बात को नहीं समझते, देश विदेश नई पत्नी नए बच्चे, अपना परिवार सुखी रखेंगे हम, निकल गए बूढ़े माता पिता, भले धन है क्या करेंगे धन, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है। कोई प्यार से, आप नौकर रख दो प्यार थोड़ी करेगा, वो तो ठीक है कपड़ा धो देगा भोजन दे देगा, उस समय उनको प्यार की जरूरत है, वृद्ध है। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना, आपसे नहीं सबसे, चूक मत करना, नहीं वो अवस्था तुम्हारी भी आएगी और जो तुम्हारे विचार वही संस्कार बच्चों में आएंगे। तो तुम तो बंगलोर में रहोगे, वो अमेरिका में रहेगा, इतनी दूर रहेगा कि मरोगे भी तो आने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा। मतलब हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए, हम जो आचरण करेंगे वही हमें परिणाम में मिलेगा। मुझे लगता है एक बार पहली प्राथमिकता माता पिता के सेवा की रखनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है आपको तो आप पत्नी और बच्चों को शहर में रखिए, आते कभी इधर आए कभी इधर आए, और व्यवस्था रखिए, दोनों को राजी कर लीजिए। बुद्धिमानी तो इसी में है ना कि व्यवस्था कीजिए उस तरह से कि भाई सेवा में माता पिता की भी एक आदमी रख दिया, इधर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पत्नी की व्यवस्था, और ऐसी व्यवस्था रख ली 2 दिन आकर इधर जांच कर लिया, 2-4 दिन इधर कर लिए। नहीं तो मुझे लगता है कि भगवद आश्रित होकर, अब तो हर जगह विद्या अध्ययन बहुत उच्च कोटि का, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गांव की विद्या बहुत, पहले थी, पहले बात थी, अब नहीं है। अब तो छोटे छोटे बच्चे, उनसे कहो 39 तो बोले आप इसको अंग्रेजी में बोलिए, छोटे बच्चे बोलते 39, उनको हिंदी से बोलना नहीं आता, तो गांव के बच्चे हैं, हाँ उनको बोलना पड़ेगा 39, बोले आप समझ गए ऐसा। तो मतलब पढ़ाई हो रही है तो उत्तम बातें हैं हमारी तरफ से, क्योंकि हम जहाँ हैं ये अध्यात्म मार्ग है, माता पिता के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। अगर उनका भाव बिगड़ गया तो अब फिर दोबारा माँ नहीं मिलती। आज वो वृद्ध हो गए, अब उनकी सेवा के लिए कोई है नहीं, और हम अपनी और अपने संतान की उन्नति का सोचें तो उनका क्या होगा। कई ऐसे माता पिता दुख भरे मिले हुए हैं, माना है कि उनके बच्चों ने लाख रुपए जमा कर दिए वृद्धाश्रम में अनाथालय में। नहीं नहीं भाई, अनाथालय की जरूरत नहीं, तुम उनके पुत्र हो, अनाथ कैसे, उनकी चाहे उनको समीप बुला के या उनके समीप जाके
या दोनों की दोनों जगह व्यवस्था करके पढ़े लिखे हो जैसे बने उनको राजी कर लो, और जब तक उनका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक ये बहुत बड़ी यज्ञ है, बहुत बड़ी तपस्या है, ये मानकर वो तुम्हें गाली दे सकते हैं, वो चार लोगों के सामने तुम्हारी निंदा कर सकते हैं, रात दिन सेवा करोगे फिर भी वो निंदा करेंगे, तुम्हें नहीं सुनना, तुम्हें वही सेवा करनी जैसे कर रहे हो, तो उसका फल क्या होगा, प्रकाशित हो जाओगे, इस लोक में भी सुखी रहोगे परलोक में भी सुखी रहोगे, बस बात समझ लो। हाँ अगर समझ आ जाएगी तो, नहीं तो फिर ये तो बाबा जी हैं, हम तो सलाह दे देते हैं, मान लो तो मान लो, ना मान लो तो फिर अपने ऊपर थोड़ा सोचो, कल वही दशा आएगी, और तुम जिनको लाडले की जिसकी उन्नति की चाह करते हो ऐसी उन्नति के सोपान पर चढ़ जाएंगे, तो विदेश में रहेंगे, बोले इस समय अमेरिका में है लड़का, अब तुम परेशान हो, पानी देने वाला कोई नहीं, सूचना भी जाएगी कि पधार रहे हो तो जलने के बाद ही आ सकते हैं, क्योंकि तुरंत पास थोड़ी है कि गांव के हैं इस गांव से उस गांव में आ गए, वो मालिक देख रहा है एक एक वृत्ति देख रहा है। धन और लौकिक उन्नति तभी सुख देती है जब उसके साथ आशीष हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, तो कम पैसा भी होगा ना तो तुम चौड़ी छाती आनंदित करके घूमोगे, और उनकी डाह उनकी जलन वो फिर दुख। आज हमारा समाज इस बात को नहीं समझ पा रहा है, बूढ़े माता पिता का सम्मान करना भूल गए। एक परिचय के थे तो ऑफिसर थे, तो उनके पिताजी गांव के थे, अंगूठा डाले और ऐसे कांच लगाए और गए वहां, पहले तो घुसने ही नहीं दिया, तो उनका ले जो तुम्हारे सर हैं उनके हम बाप हैं, तो हाँ रास्ता जब गए तो वो कुर्सी से नहीं उठे, उन्होंने देखा उनका, अब पिता तो पिता ही ला देखे, तो उनका हम तो मिलने आए थे आपसे, बात की वो वापस हो गए, और जब वापस हो रहे थे धीरे धीरे कदम से, तो उनके बगल वाले ऑफिसर, ये कौन था, आपसे कोई प्रणाम नहीं किया मतलब आपको सल्यूट नहीं किया आप ऐसे, बोले हमारे घर का एक नौकर था वो मिलने आया था, उनके कान में आवाज पड़ी, बस आंसू गिराते हुए गए, और जब मिले हमसे तब बताया कि कह रहा था अपने ऑफिसरों के सामने कि हमारे घर का नौकर है, बोले पढ़ाया लिखाया मेहनत करके उसको उस पद में पहुंचाया, और हम ही को कह रहा था कि नौकर है, उठ के पैर भी नहीं छुआ था, उनका कल्याण की तो बात जाने दो, कभी शांति और चैन से सो नहीं पाएगा, क्योंकि औरों का साप जाए विलंब से लगे, जिसने पाला है वो माता पिता नौकर, अरे उठ के छूते तो उनका हृदय भारी हो जाता कि पढ़ाया लिखा है ना, देखो मेरा लड़का सभा में अफसरों के सामने पैर छू रहा, ये तो एक काशी भेजा बेटे को पढ़ाने के लिए, थोड़ा मेहनत करके किसानी से, ब्राह्मण परिवार का था, विद्वान बने हमारा पुत्र अच्छा, और 10 वर्ष यहां से पैसे भेजते, 10 वर्ष बाद आए, तो पिता तो किसान आदमी, अब उनको पंडितों के बीच में पिता ने बहुत सूक्ष्मता से देखा, जैसे देखो प्रणाम की एक मुद्रा, पेट में हाथ लगाया ना ऐसे, देखा प्रणाम कर पेट को, पेट ने चरण में हाथ लगाया, दिले देखा ले ऐसे तो ऐसे ही वो समझ गया, उनका बेटा पढ़े है, बोले हाँ पढ़े है, बोले लेकिन पढ़ाई का जो फल है वो तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, विद्या विनयम ददाती, विद्वान पुरुष विनम्र होता है, विद्या नम्रता प्रदान करती है, तुम्हारे अंदर अभी वो विद्या नहीं है जिसको पढ़ाने के लिए भेजा था, वो विद्या तुम्हारे अंदर नहीं, तो उनका आप जांच लीजिए, आप जो आप हमसे जो प्रश्न चाहे वो प्रश्न कर सकते हैं, जैसा चाहे आप हम, बोले अपने गुरुजी से पूछना जाकर के, एक बार काशी जाओ पैसा हम फिर देते हैं, कि पिताजी ने कहा है कि तुम्हें वो विद्या प्राप्त नहीं जिस विद्या के लिए हमने काशी भेजा था, आज हम लोग बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो रहे हैं लेकिन वो विद्या धूर्तता ला रही है, नहीं देखो कठोर शब्दों से माता पिता को उत्तर दे देना, ए तुम क्या जानो पुराने जमाने के, हमारी आधुनिकता की नई समाज ऐसा, जो प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, जो स्वयं भगवान है वो अपने मात, और आज हम ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके चरण छूने में सब कुछ चाहते हैं, अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी सोच फेंकने में सब कुछ आएंगे,
और उन्होंने वर्षों हमें गोद में अगाया है लघु शंका की। मुझे लगता है ये पढ़ाई लिखाई संपत्ति ये चैन नहीं दे पाएगी अगर बुजुर्गों की छाती जली और उनको लगा कि, तो मेरी प्रार्थना सबसे आपको ही निमित्त बनाकर उपदेश दे रहे हैं सबको कि भाई मेरी बात मान लेना, जीवन भरे पछतावे से मुक्त नहीं हो पाओगे अगर अपने माता पिता को इस स्थिति में छोड़ दिया तो इसका इसका तुम कुछ भी बन जाओ जलोगे, रात दिन जलोगे, देख लेना हमारे वचन याद कर लेना। और अगर वो ऐसे करके ऐसे कर देला तो नमक रोटी भी खाओगे मस्त घूमोगे, कोई बाल बांका नहीं, माता पिता भगवान का स्वरूप होते, वो दुलार कर दे आशीर्वाद दे देना कि हमारा बच्चा बहुत हमारी सेवा हो गया, वो भगवान बैठा अंदर देख रहा है, भगवान की प्राप्ति भी इसी से हो जाएगी, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। विट्ठल भगवान इस बात का प्रमाण है, पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करते तो भगवान का स्वयं आकर भगवान कहा कि हमारा साक्षात्कार कर लो, मैं भगवान हूं, आज भी बैठे हैं जो विट्ठल भगवान है। ऐसा
रखिए बस, नाम जब ज्यादा से ज्यादा करे। हाँ नाम ही जीवन का सार है, नाम और सेवा ये दोनों। जैसे पंछी जो है ना दो पंखों से ही आकाश में उड़ सकता है, ऐसे ही अगर हम उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे गुरुजनों ने दिया है गुरुवाणी में है माँ, तो दो बात ध्यान रखें, एक तो नाम जप और दूसरे सेवा का अवसर जहाँ हो फिर चुके ना, दूसरों की सेवा करना और अपने आराध्य देव का नाम जप करना, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यही प्रधान वस्तु है। देखो आप गुरुवाणी जी में ग्रंथ साहब में सब महापुरुषों के अनुभव लिखे हुए, तो सुमिरन और सब महापुरुषों की सेवा की भावनाएं, सेवा सुमिरन और सेवा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम जब ये सुनते हैं ना कि जैसे गुरुद्वारे पे कोई भी चाहे जितना धनी हो जाए वहां पादुका सेवा, तो हमारा हृदय भर जाता है कि देखो कैसी गुरु दरबार की महिमा है कि अभिमान रस से बिलक कर देता है। इसलिए पहले तुम सबकी पादुकाएं साफ कर, तुम्हारा अभिमान गलित हो तब चलो अंदर, गुरु कृपा का तभी तुम रसास्वादन कर सकते हो जब ऐसी सेवा में तुम्हारी रुचि हो कि सब जो हमारे गुरु के दर्शन करने आ रहे गुरु ग्रंथ साहब के गुरु दरबार में वो इतने हमारे लिए पूज्य कि उनकी पादुका हम साफ कर रहे हैं। सेवा और सुमिरन दो अगर हम पकड़ ले तो भगवत कृपा गुरु कृपा सब प्राप्त हो जाएगी।